तो असगुनों को देख करके भाभी कहने लगी है, देखो ससपाल एक बात हम कहना चाह रहे हैं, तुम तो जानते हो कि मां कन्हैया भी आ रहे हैं, हमें ये खबर मिली। हाँ, और हम ये भी अच्छी तरह से जानते तुम उनसे लड़के जीत भी नहीं पाओगे, बड़ा हंसी बदनामी होगी, इसलिए रुक्मणी को भूल जा और कहीं दूसरी लड़की से शादी कर लो। ससपाल बोलो तुमने देखी नहीं, हमने देखी, मेरी बहन की निंद है, इतनी तो सुंदर है, इतनी तो सुंदर है, अंधेरे में बैठा लो तो दीपक जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, दूर से ही चमक जाती है। क्या लांगा तो देखती रह जाओ, एक बात बता भाभी, दूल्हा बन गया, कोई कमी नहीं। एक लड़की ने देखा, बोले वैसे कमी तो कुछ नहीं है, ससुराल कंगन भी है, मोहर भी है, लेकिन मोह की तरफ देखते तो लगता भी काजल नहीं लगा ससुराल। जो जब बात सुनी तो भाभी भगिया के दौरे पड़ो, कमी छोड़ी तो अब देखे भी अब भाभी काजल लगा रही है, समझाई बोले अब कछु गीत गाय रही, कछु हंसे रही, तो भाभी बोली इसलिए ना मिली है दारू की मिली प्यारी है जाने निशान तुम्हारी है तुम्हारी से दारी है नासी खबारू ससपाल, हमने सुना है कि कन्हैया आ रहे हैं, लड़ नहीं पाओगे, जीत भी नहीं पाओगे, मेरी बात मानो और भूल जाओ रुक्मणी को और किसी दूसरी जगह शादी कर लो। तो सोने भाभी के बेन उठी है तन में ज्वाला, मेरा का कर सके नंद को लाला, अरे चिंता काय को कर रही है भाभी, जाऊंगा और जाऊंगा तो खाली हाथ थोड़ी आऊंगा, उधर से दुल्हन नहीं लेके आऊंगा, तैयार रहो, अभी गए और अभी आए, चला है ससुराल, बहुत जल्दी में है वहां, ऐसा ही नहीं करेंगे श्रृंगार दूल्हा लालो कटोड़ा पे मौ सवा
तरफ से फौज ने पनाह डाल दिया। खबर मिली है भीष्मक को तो आंगन में बैठ करके रोने लगे, कमी ने हमें समाज में वो दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा। लेकिन जब सस्पाल ने ये सुना है कि साले साहब आ गए, बड़ा मगन हुआ। कार्यकर्ताओं से चिल्लाने लगा है, सब खड़े देख रहे हैं हमारी को की तरफ। अरे सेवा करो, इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो, किसी चीज की कमी ना हो जाए, बहुत बड़ा राजा है। अब इधर रुकुम मगन, लेकिन जब उधर रुकमणी को यह खबर मिली कि मेरे कन्हैया के बीच मेरा भैया दीवार बन गया, ऐसा कलेजा पे बज सा लगा है जो रुकमणी से नहीं नहीं कर सकती, पछाड़ खा के आंगन में गिरेगी शाम, मर जाऊं, लेकिन ससुराल के साथ हरगिज नहीं जाऊं। मैंने बचपन से हमेशा से तुम्हारा नाम लिया है मुरलीधर, मैंने बचपन से तुम्हें अपना पति मान लिया है घनश्याम, लेकिन मेरा भैया हम दोनों के बीच दीवार बन गया। आंगन में बैठ करके रुकमणी कन्हैया की याद करके रोने लगी और बोली के दीनन हितकारी श्याम, ओ कन्हैया तुम कहां पे कन्हैया, मर जाऊंगी लेकिन ससुराल के साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। रो रही है रुकमणी आंगन में बैठी बैठी, कन्हैया की याद में व्याकुल। ये 501 रुपया और एक हार हमारे करीब आया है, ये कुलदीप यादव अगला